हेरा फेरी के पार्ट 3 से रिलेटेड जो है ना एक अपडेट आई है भाई लोग। तो यार पता तो होगा कि हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी जो कि जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की मूवीज़ है। अगर हम लोग कॉमेडी के मामले में बात करें, एक्टिंग के मामले में बात करें ना, तो फिर ये मूवी किसी भी इंडियन मूवी को टक्कर दे सकती है भाई साहब। और ये सिर्फ मैं नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप सब भी ये इस चीज़ को मानते होंगे, 100% श्योर बात है ये। क्योंकि जिस लेवल के कॉमेडी और सेंस ऑफ ह्यूमर का जो है ना इसमें इस्तेमाल किया गया था ना, मुझे बहुत कम ऐसी मूवीज याद आती है जो कि इस मूवी को उस मामले में टक्कर दे सके हेरा फेरी को, समझ रहे हो ना। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा परफेक्ट मूवी थी अगर हम लोग कॉमेडी के मामले में बात करें तो। आप लोगों को तो पता होगा कि इस फ्रेंचाइज की जो है ना दो मूवीज़ आ चुकी है, हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी। फिर इसके तीसरे पार्ट को लेकर जो है ना बहुत सारी बातें चल रही थी और चल रही है अभी तक कि क्या इसका पार्ट 3 आएगा, जिसमें कि आपको अक्षय कुमार देखने को मिल जाएंगे, शेट्टी देखने को मिल जाएंगे और हमारे परेश रावल यानी कि बाबू राव देखने को मिल जाएंगे। तो फिर ये ट्रीट होगा उनके फैंस के लिए, क्योंकि इन तीनों को एक साथ फिर से देखना बहुत ही टेरिफिक ट्रियो है ये। तो फिर बात करें एक अपडेट के बारे में ना जो कि अभी हाल ही में निकल कर आई है, तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ शुरू करते हैं। तो हमारे जो परेश रावल यानी कि बाबू राव है, उनका जो है ना अभी एक इंटरव्यू हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनके साथ उनका एक इंटरव्यू हुआ था। और उस इंटरव्यू में जो है ना उनसे पूछा गया कि क्या हेरा फेरी का थर्ड पार्ट आएगा, यानी कि इस फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट आएगा, और अगर आएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसके आने के या फिर नहीं आने के। तो फिर हमारे परेश रावल ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि परेश रावल में उस इंटरव्यू में ये कहा कि ये जो है ना हेरा फेरी का पार्ट 3 उनको बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि ये आनी चाहिए और ये आएगी भी, ऐसा परेश रावल ने कहा है, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है इसके थर्ड पार्ट से लेकर। और फिर उन्होंने ये भी कहा आगे बढ़कर कि ये एक बहुत ही टेरिफिक फ्रेंचाइज है जिसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जो है ना एक ऐसी मूवी जो कि थर्ड पार्ट हो इस फ्रेंचाइज की, वो बहुत ही ज़्यादा हंसा सकती है लोगों को। परेश रावल ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा कि हमें जो है ना ये सब मूवीज़ इस टाइप की मूवीज़ बार बार देखने को नहीं मिलती बॉलीवुड के अंदर, इसीलिए इस मूवी को जिंदा रखना, इस फ्रेंचाइज को जिंदा रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत खुश होंगे अगर इसका थर्ड पार्ट जल्द से जल्द बने। और फिर यही कह के जो है ना वो चले गए, मतलब कि इतना तो पता है कि परेश रावल भी चाहते हैं कि वो इसका थर्ड पार्ट बने, यानी कि हेरा फेरी का थर्ड पार्ट बने, उन्हें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसका थर्ड पार्ट बननी चाहिए। लेकिन अब यही देखना है हम लोगों को, फैंस को, कि इसके मेकर्स क्या करते हैं, क्या इसका थर्ड पार्ट वो लोग बनाते या फिर नहीं बनाते, ऐसे ही छोड़ देते, ये सब हमें देखना पड़ेगा आगे जाकर कुछ समय में। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आती है ना तो मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द से बता दूंगा, बिल्कुल जल्दी जल्दी बता दूंगा आपको इसकी नई अपडेट्स के बारे में। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। तो फिर अब आउटरो देख लो भाई साहब, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आती रहती, तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यार वीडियो को लाइक कर देना या फिर डिसलाइक कर देना, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं ज़बरदस्ती तो वैसे भी नहीं कर सकता। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, और फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलना। सही सुना, अब हम लोग ट्विटर पर भी है, मोह माया के चक्कर में फंस गया हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पर तो पहले से। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।